नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में ओमिक्रॉन के नाश हेतु महायज्ञ। समूचे विश्व पर मंडरा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन विषाणु के उच्चाटन हेतु राजराजेश्वरी आश्रम में विदेशी सैलानियों ने किया महायज्ञ। आध्यात्मिक गुरुवर राजकुमार जी वसपार शिवोहम तंत्र श्री राजराजेश्वरी आश्रम शरब गांव परसोड़ी के अनुयायी समूचे विश्व में हैं तथा आध्यात्मिक गुरु के पावन दर्शन हेतु हर वर्ष आते रहते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के पावन पर्व पर स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, कनाडा आदि देश से आए अनुयायियों ने समूचे विश्व पर आए ओमिक्रॉन की बढ़ती तीव्रता में शिथिलता तथा विश्व शांति हेतु महायज्ञ सहभागी हुए। स्तुति के निर्माता परमपिता परमेश्वर तथा चराचर में विराजमान देवादिदेव महादेव विघ्न हर्ता भगवान श्री गणेश की अनुकंपा समस्त जगत पर रहे और कोरोना जैसी आपदाएं और उनकी तीव्रता में कमी आए। इस महामारी की चपेट में आकर अपने प्राणों को गंवाने वाली पावन आत्माओं की शांति हेतु इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विदेशों से पधारे अनुयायियों के साथ साथ शिवोहम तंत्र राजराजेश्वरी आश्रम के सभी साधक साधिकाओं ने भाग लेकर विश्व शांति तथा कोरोना महामारी आने वाले इस वेरिएंट का समूल नाश होकर एक बार फिर समूचे विश्व की स्थिति सामान्य हो, इसके लिए उक्त अनुष्ठान का सफल आयोजन संपन्न हुआ। सावनेर संवाददाता मुकेश झरबड़े की रिपोर्ट।